हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, सब कुछ बढ़िया होगा। मतलब आज हम लोग जाने वाले हैं जिम, जहाँ पे मैं हमेशा जाता हूँ, पर मैंने कभी व्लॉग नहीं बनाया था। फर्स्ट व्लॉग है मेरा, तो फर्स्ट व्लॉग में आप लोग को ये दिखाने जा रहा हूँ कि हम लोग मक्का शरीफ में रहते हैं। मतलब मक्का क्या जगह सिटी है, आप लोग जानते हैं, सबको पता है, हर मुसलमान बंदे को पता है। तो यहाँ पर जो लोकल जिम है, बेस्ट लोकल जिम मेरे हिसाब से जो लगता है, जहाँ पर भीड़ भी होती है और ठीक ठाक है, मतलब सारी चीज़ें हैं और सबसे सस्ते में। मतलब मुझे तो यहाँ पे कोई जिम ऐसा नहीं मिला जहाँ पे इतने सस्ते में मेंबरशिप मिले। तो आप सबको वही दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है और अभी वहाँ पहुँच के मैं चेंज करूँगा जिम में, और आप अपने जिम का टूर दिखाऊँगा, क्या सीन है वहाँ पर, कैसी चीज़ें हैं, कैसी मशीनें हैं। ये रही अपनी गाड़ी, गाड़ी का काम वगैरह सब कुछ, इसके लिए एक अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे। यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग। अभी जो है सुबह के 8 बजने वाले हैं, 15 मिनट बचा है, 15 मिनट बाद 8 बज जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और जस्ट अभी गाड़ी यहाँ पार्क करी है। तो अब चलते हैं और दिखाते हैं आप लोग को अपना जिम। तो अभी हम लोग जस्ट पहुंच चुके हैं अपने जिम की तरफ, तो आपको बाकी मैं अंदर चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे ज़रा सा बाहर शूट नहीं करता था, पब्लिक प्लेस है तो पुलिस वगैरह भी खड़ी है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं आप, ये आ गया अपना जिम। इस तरफ आपको मतलब स्विमिंग पूल वगैरह मिल जाएंगे, तरफ के ये वाले एरिया में अंदर अपना जिम है, जो डंबल्स वगैरह एक्सरसाइज वगैरह यहाँ पे कही जाती है। ये अपना इंट्रेंस आ गया, देखिए यहाँ पे अपने ऑफर्स वगैरह दिखाई देते हैं। तो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊँगा यहाँ पे कितना प्राइस आ गया है। जिम होके भी यहाँ पे जंक फूड मिल रहे हैं, मतलब अजीब बात मिल रही है थोड़ी। और ये रहा अपना इंट्रेंस गेट, और यहाँ पर देख लीजिए लॉकर वगैरह सब। और इस तरफ मतलब मेडिसिन वगैरह भी दिए हैं, अगर लोग प्रेशर देते हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ अपना चेंज करने, और चेंज करने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ये रहा अपना चेंजिंग रूम, यहाँ पे आप जाकर अपना कस्टम चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी जस्ट चेंज कर रही हूँ, टाइम से अच्छा नहीं है, टाइम से अच्छा कोई भी नहीं है। और यहाँ पर मैंने चेंज कर लिया है, चेंज कर लिया। ये रहा अपना जिम, यहाँ देख सकते हैं मतलब इतना अच्छा माहौल है। हम लोग स्मिट मशीन, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। तो हम लोगों की ये चेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज है।
हम लोग एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है चेस्ट की और ट्राइसेप की, तो एक्सरसाइज वगैरह भी आप मैं दिखा दी, ट्राइसेप भी नहीं दिखा सका क्योंकि यहाँ पर रश इतना है कि वीडियो बनाना मुश्किल होगा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, आपको दिखाते हैं आप मेरे जिम का जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब कौन कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हो। तो देख सकते हैं ये डंबल वगैरह रखा है, ये बेंच है, बेंच मतलब डंबल प्रेस के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए डंबल है यहाँ से लेके वहाँ तक। मशीन है यहाँ पे क्या कहते हैं डिप्स मारने के लिए, पुलअप के लिए, ये ट्राइसेप की मशीन है और ये लेग्स के लिए पीछे ग्लूट्स वगैरह, ये रही आपकी लेग टेंशन। और यहाँ पे काफ्स के लिए सारी मशीन है, लेग्स की पूरा डिपार्टमेंट, लेग्स की मशीन है, ये भी लेग्स की मशीन है और ये भी भाई कर रहे हैं लेग्स की मशीन पे एक्सरसाइज। और यार आने जा रहा हूँ आपको इसका प्राइस, वो शायद आपको ऐसा जिम नहीं मिलेगा कहीं मक्का में खास कर। ये स्मिथ मशीन आपको दिखा चुका हूँ, शोल्डर प्रेस वगैरह, ये लेग की ये भी हो गई है और देखिए शोल्डर प्रेस ये भी है, ये भी शोल्डर की है, ये भी शोल्डर की है, मतलब एक डिपार्टमेंट एक साथ रखा हुआ है। यहाँ पे आप अपने काफ्स का कर सकते हैं, ये डंबल है, ये पीछे बैक के लिए लोअर बैक, ये ट्राइसेप की मशीन ट्राइसेप के, यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिया गया है पूरा। स्विमिंग पूल इस तरफ है, यहाँ का व्यू सुबह में बहुत अच्छा लगता है, रात में कुछ नहीं पता चलता, रात में भी आ चुका हूँ, रात का भी बहुत बनाऊँगा, तो अभी मैंने टाइमिंग चेंज कर दी है वगैरह चेस्ट के लिए, चेस्ट के लिए ये भी मशीन वगैरह। आप जिम लवर हो या जिम जाते हो, एक्सरसाइज में फिटनेस में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आपको खुद बहुत समझ में आ जाएगा कौन सी मशीन कैसी है किसके लिए। ये रेगुलर के लिए, ये चेस्ट हर चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, मशीन देख सकते हैं क्या हाल है पूरे जिम का, मतलब माहौल यहाँ मस्त रहता है, आप जब भी आओगे आपका एनर्जाइज फील होगा पूरा, मतलब एनर्जी रहेगी। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी मतलब लोग ज़्यादा होते हैं, भीड़ ज़्यादा होती है, वहाँ पर एक्सरसाइज करने में मज़ा आता है, मोटिवेशन मिलता है। यहाँ पर लोग भी अच्छे आते हैं, मतलब ठीक ठाक बॉडी उतनी अच्छी हुई, मतलब अच्छी गुड फिजिक वाले भी नहीं हैं, पर हैं कुछ लोग आते हैं, देखा है मैंने, तो मैं आगे आगे दिखाता जाऊँगा। ये रहा ऊपर की तरफ, हम लोग यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, एंड की घड़ी रखी हुई है यहाँ पर रखी हुई है के लिए, साइकिलिंग वगैरह जो कुछ भी है यहाँ होता है। ये देख सकते हैं पूरा यहाँ पे, जिनको फैट कम करना है वो यहाँ पे आए, और ऐसे भी आना चाहिए, थोड़ा बहुत रनिंग कर लेता हूँ वीक में 2 से 3 बार, ज़्यादा नहीं क्योंकि मैं स्किनी हूँ, तो थोड़ा मतलब अभी बल्किंग, और ये बल्किंग नहीं मतलब कटिंग पे ही है, उतना कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है अपनी बॉडी पे। और ये रही आपके लिए, यहाँ पे क्लास चलती है, तो क्लास का एक टाइम है 10 बजे से 11 बजे तक और 8 से 9 तक, चूँकि ये निकल रहे हैं यहाँ पर डंडे वगैरह रखे हैं और वेइंग मशीनें है। यहाँ से आप व्यू दिखा दूँगा आपको मैं, ये देख सकते हैं स्विमिंग पूल भी दिया गया है यहाँ पे। ये आ गया अपना वापस जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था ब्लॉग, ब्लॉग तो बाहर से स्टार्ट किया था बट जिम में यहाँ पर आए थे, तो आपको दिखा दूँ जो इतने कम पैसों में जो जिम मिलता है उसमें भी ये दिया गया है माशाल्लाह, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बूढ़ी लकड़ी की स्टीम मतलब देने के लिए बना गया है, मतलब आप यहाँ बैठ सकते हैं, आपके जो है स्टीम वगैरह जो यहाँ पे मिल जाएगी, वुड लकड़ी है पूरी है, मुझे इसका नाम नहीं पता सही से इसलिए बता नहीं सकता, और यहाँ पर स्टीम है तो सबको पता है, यहाँ पर धुआँ ही धुआँ हो रखा है तो वहाँ की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मतलब। देखिए यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं बाहर, रिसेप्शन पे आ गए हैं, यहाँ पे आपको मैं प्राइस दिखा दूँ, 6 महीने के इश्तराक 524 रियाल में, 1 साल का 824 रियाल, 524 और 824 इसमें से मतलब आप देख सकते हैं जिसमें ज़्यादा फ़ायदा है, 800 वाले में ज़्यादा फ़ायदा है, पर वो 1 साल का आप जैसे भी लोगों को पसंद है बता नहीं सकता मैं, आपकी जो भी चॉइस है। 6 महीने में इतने प्राइस में कहीं भी नहीं मिलता इश्तराक, इश्तराक मतलब मेंबरशिप होता है हम लोग गर्मी में इश्तराक के। यहाँ पे जो है फैसिलिटीज़ अच्छी दी गई है, मतलब जिम जिस तरह का है उस तरह के जिम में आप हर यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाती है, मशीन थोड़ी मतलब उस टाइप की है, ऑब्वियसली नई नहीं है मतलब एकदम हाई क्लास नहीं है, पर ठीक है
अगर आपको सीरियस बॉडी बनानी है तो आप आ सकते हो, स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हो, बाद में फिर आपके पास जैसे बजट हो। लोग यार मतलब बॉडी बनाने को कहीं से भी बना सकते हैं, जिसको अंदर से जुनून होगा, जोश होगा, मतलब जो करना चाहता है वो कर लेता है, चाहे जैसे भी जिम में। ये व्यू देख सकते हैं जिम का कितना अच्छा है। ये मैटर नहीं करता कि जिम में कैसी मशीन है, कैसी क्या चीज़ें हैं, बंदे को डेली आना है, कंसिस्टेंट रहना है, बॉडी बन जाती है। और अभी मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसी मतलब जिम की किसी ने वीडियो नहीं डाली होगी, जिम में जो मक्का में मैंने ये वीडियो डाली है, बड़ी मेहनत से बनाई है। मतलब मेहनत इतनी भी नहीं लगी, पर लगी है, आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था, क्योंकि मैंने देखी थी यूट्यूब पे कि मतलब मक्का के में जो कोई जिम बताने वाला कोई भी नहीं था, तो शायद कोई ना कोई सर्च करता होगा कि जिम यहाँ पे कैसा है या क्या है, या फिर आप लोग बाहर से होंगे तो मसला नहीं है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैसे जिम होते हैं। तो ये चीज़ दिखाई थी, और इस प्राइस में आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। ये तो अभी ऑफ़र आई मतलब लगी हुई है, इसके पहले एक ऑफ़र आया था जिसमें इससे भी सस्ती चीज़ मिली थी, मतलब इससे भी सस्ता मेंबरशिप मिला था, तो मैंने वो ली हुई है। अब वो चल रही है यहाँ पर तकरीबन मैं 3.5 साल से, 3.5 साल नहीं मतलब तकरीबन 2 साल हो चुके हैं मुझे। 2 साल में बॉडी तो नहीं बनी ज़्यादा, क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं था बिल्कुल भी, मतलब डेली का जो है जाना आना नहीं था, कभी जाना कभी नहीं जाना, आप जानते ही हो यहाँ पर क्या सीन होता है। और अब इंशाल्लाह स्टार्ट किया है, तो जैसे जैसे चलूँगा वैसे वैसे आपको बताता जाऊँगा क्या क्या चीज़ें करते हैं हम लोग। और ये अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं अभी, तो अभी घर की तरफ चलते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करना है, कुछ पेट मतलब खाली हो गया है, तो प्रोटीन इंटेक तो नहीं कर पाया क्योंकि प्रोटीन घर पे रखा हुआ है। तो अभी चल के हम लोग सोच रहे हैं पराठा लें। और अभी हम लोग जा रहे हैं ये मक्के की गलियों से अपने घर। अभी मेन रोड का रास्ता यहीं सामने से निकलता है, यहाँ पर देख सकते हैं दुकानें कैसी हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं। आप लोगों को पसंद आया शेयर ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोग पसंद देखिएगा। यहाँ हम लोग आ चुके हैं, पे शोरबा मिलता है, शोरबा यहाँ पे उसको कहते हैं ओट्स को, शोरबा मतलब ओट्स का शोरबा होता है। यहाँ पे हम लोग को मिलता है किब्दा, किब्दा कहते हैं कलेजी को, मतलब लीवर। और क्या हम लोग को यहाँ पे मिलेगा, तगाती जिसको कहते हैं, तगाती हम लोग उसको कहते हैं कि जो बकरे का जो पेट होता है अंदर स्टमक, उसको साफ़ करके काटा जाता है, इंटेस्टाइन वगैरह उसको भी काटी जाती है, तो साफ़ करा जाता है, साफ़ करने के बाद मतलब उसको पका के अच्छे से और फ्राई करके यहाँ पे दिया जाता है, अच्छा रहता है टेस्ट, काफ़ी लोग नहीं खाते क्योंकि इसमें थोड़ी स्मेल भी होती है। वो देख सकते हैं लीवर रखा हुआ है। ये हम लोग को मिल चुका है, दो शोरबा लिया है मैंने, 2 पाउच अलग अलग से थैली देते हैं, और एक मतलब एक जो प्याले में आ जाएगा 2 रियाल का, मतलब मैंने 4 रियाल का लिया। ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, जारी लग रही है माशाल्लाह। यहाँ से व्यू देख सकते हैं कितना बढ़िया व्यू, ट्रैफिक बहुत सारी आज सुबह है, असल में मदरसे का टाइम है, स्कूल का टाइम है, तो इस टाइम ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा होती है। था आज का व्लॉग, मतलब जो भी था, मैं जस्ट घर पहुंच चुका हूँ, ये गाड़ी अपनी खड़ी कर दी है। और आज का यही मोटिव था कि दिखाना था आप सबको कि जिम में क्या होता है, मतलब यहाँ पे जिम कैसा है, क्या प्राइस वगैरह है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और बाकी मिलते हैं आगे की वीडियो में, मेरा फर्स्ट व्लॉग था, यहाँ पर जो भी गलतियाँ हुई हो या जो कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई भी सवाल हो तो वो आप मुझे जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ है ऐसी। ये रहेगा हम लोग के घर के जस्ट सामने मकाम है, और ये एरिया थोड़ा मतलब गरीब टाइप का है, तो हम लोग इसी एरिया में रहते हैं, एरिया बढ़िया है, घर भी अच्छा है, मतलब सुकून है यहाँ पे, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, रात के टाइम भीड़ होती है पर हम लोग जाते हैं काम पर। ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत आबादी थी पहले, पर अभी कुछ टाइम से यहाँ पर वो चल रहा है, मतलब तोड़ना फोड़ना एकदम है। और ये एरिया भी कितने दिन के बाद जाएगा, मतलब तकरीबन 1 साल 2 साल लगेंगे, तो हम लोग को भी शिफ्ट होना पड़ेगा यहाँ से। ये मेरी गाड़ी इधर खड़ी हुई है, वो मेरे भाई की गाड़ी है रेड कलर की। बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और खुश रहिए, मज़े में रहिए, टाटा बाय बाय।